हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी कल्चर के बारे में। एपी कल्चर का ये पार्ट टू वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर के बारे में, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट जुड़ जाएं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। हाँ, हम लोग को यहाँ से कंटिन्यू करना था सिलेक्शन ऑफ बीज फॉर एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर के लिए बीज का सिलेक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, या फिर किन बीज को एपी कल्चर के लिए सेलेक्ट करेंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट अटेंड नहीं किए हैं इससे पहले की लेक्चर, वो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप सभी उस वीडियो लेक्चर को अटेंड करें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ बीज फॉर एपी कल्चर। ओके, फॉर रनिंग अ गुड एपायरी सिलेक्शन ऑफ हनी बीज इज मच इम्पोर्टेंस, सो एज द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग हनी बीज फॉर एपी कल्चर। क्या बोल रहे हैं, फॉर एक अच्छे एपायरी कल्चर, या एपायरी मीन्स एपी कल्चर करने के लिए या मधुमक्खी पालन के लिए अच्छे क्वालिटीज़ की या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल हनी बीज का सिलेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है। और ये करने के लिए, ठीक है, बेस्ट हनी बीज को सिलेक्ट करने के लिए हमें इन सब बातों को ध्यान रखना है। और किन बातों को ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले, हनी बीज शुड बी जेंटल टेम्परामेंट। हनी बीज कैसी होनी चाहिए, ऐसे हनी बीज को सिलेक्ट करनी चाहिए जो क्या हों, जिनमें जेंटल टेम्परामेंट हो, मीन्स बहुत ज़्यादा वो क्या हों, एग्रेसिव ना हों। ठीक है, नहीं तो वो हमें क्या कर लेंगी, बाइट कर लेंगी, बहुत सारी बाइट्स कर लेंगी। तो उनका टेम्परामेंट, ठीक है, ऐसे हनी बीज को सिलेक्ट करें जिनका जेंटल टेम्परामेंट हो, बहुत एग्रेसिव ना हो। सेकेंड पॉइंट्स देखते हैं। हनी बीज शुड हैव कैपेबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रांग कॉलोनीज। तो ऐसे हनी बीज को सिलेक्ट करना है जो क्या करें, स्ट्रांग कॉलोनी, ठीक है, स्ट्रांग कॉलोनी बनाएं। ठीक है, ऐसे हनी बीज को सेलेक्ट करना है जो स्ट्रांग कॉलोनी बनाएं या स्ट्रांग कॉलोनी कंस्ट्रक्ट कर सकें। थर्ड पॉइंट, इट शुड हैव एबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमी। तो इन हनी बीज में क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी एनिमीज हैं उनसे, इनके जो वर्कर्स होंगे वो हनी बीज या फिर हनीज को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें एनिमीज से, जो भी इनके शत्रु हैं, ठीक है, उनसे क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अगर शत्रु से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी खुद को तो क्या होगी, ये आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, आसानी से डेथ कर जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी एनिमीज से उनसे क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उनमें यह क्षमता हो कि अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सकें। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हनी बी शुड हैव एनर्जेटिक एंड इंडस्ट्रियस वर्कर। तो जो हनी बीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, और उनके वर्कर्स कैसे होने चाहिए, इंडस्ट्रियस होने चाहिए, मतलब, ठीक है, उनके वर्कर्स मेहनती होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो हनीज़ को कलेक्ट कर सकें, वर्कर्स हनी को कलेक्ट कर सकें, छतों का निर्माण या फिर फॉर्मेशन कर सकें। तो ऐसे हनी बीज को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। वर्कर्स कैन सक जूस फ्रॉम न्यूमेरस वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो जो वर्कर होंगे, ठीक है, जो वर्कर होंगे उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्लांट से, अलग अलग पौधों से क्या कर सकें, जूस को या फिर उनके जो पराग हैं उनको क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, उनको सक कर सकें, और फिर ये उन्हीं क्या कहना चाहिए, पोलेंस को या प्लांट्स के जूस को क्या करती हैं, फिर ये फ्लावर के जूस को आकर शहद में या फिर हाइब्स में इकट्ठा करती हैं। सिक्स पॉइंट, बीज ऑन द होल कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर हनी फ्रॉम इट्स कॉम। तो ऐसे बीज जो क्या कर सकें, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
हनी को प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे हनी बीज को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अपने जो कॉम्ब है या छत्ते में बहुत ही अधिक मात्रा में शहद को प्रोड्यूस कर सकें। कई स्पीशीज कैसी होती हैं कि छत्ते तो बहुत बड़ी बनाती हैं, ठीक है, उनके छत्ते क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनमें शहद की अमाउंट क्या होती है, बहुत कम होती है। सेवेंथ पॉइंट, बीज कैन फ्रॉम दियर कॉम ईजली एट एनी प्लेस। तो बीज, ठीक है, उनके कॉम को या फिर आसानी से क्या कर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवेबल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। द एपिकल्चर साइंटिस्ट इंगेज इन जेनेटिक्स आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सच क्रॉस रेसेस विच वुड नॉट बी फेरोशियस नेचर बट बी गुड हनी प्रोड्यूसर। ठीक, क्या बोल रहे हैं, जो एपिकल्चर साइंटिस्ट हैं, जो एपिकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के थ्रू ऐसे रेसेस या ऐसे क्रॉस की बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या हों, जो कि कम फेरिशियस नेचर के हों, फेरिशियस नेचर के नहीं हों, और साथ ही साथ अच्छी हनी प्रोड्यूसर हों, मीन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी ना हो और साथ में अच्छे मात्रा में या फिर हाई अमाउंट में हनी बीज का भी प्रोड्यूस करती हूँ। इन इंडिया एपिस इंडिका इज द बेस्ट बी फॉर एपिकल्चर इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स जेंटल नेचर एंड हैविंग एफिशिएंट एंड प्रोलीफाई वर्कर्स। क्या बोल रहे हैं कि भारत में हम लोग एपिस इंडिका सबसे बेहतर या फिर सबसे बेस्ट स्पीशीज मानी जाती है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एपिकल्चर के लिए या हनी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, बहुत ही जेंटल होता है और लार्ज अमाउंट में ये क्या कर सकती है, हनी बीज प्रोड्यूस कर सकती है। साथ ही साथ इसके जो वर्कर होते हैं वे बहुत ही क्या होती हैं, एक्टिव होते हैं, तो इसलिए इस स्पीशीज को क्या की जाती है, बहुत ही अधिक मात्रा में इंडिया में इसको कल्चर की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ बी कीपिंग। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विधियां हैं बी कीपिंग करने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए, तो उन मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिजिनस मेथड ऑफ बी कीपिंग। इंडिजिनस मेथड मीन्स जो हमारी देसी विधियां हैं हनी बी या फिर बी कीपिंग करने के लिए। दिस इज ओल्ड मेथड एंड द टू टाइप्स ऑफ हाइव्स आर यूज्ड आर इन दिस मेथड एयर फॉलो। तो ये बहुत ही ओल्ड पुराना मेथड है, प्रचलित मेथड है, कहना चाहिए ट्रेडिशनल मेथड है हनी बीज कल्चर करने का या हनी बीज फार्म करने का। दो टाइप के इसमें मेन हाइव्स होते हैं, छत्ते होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, वाल आर फूड हाइव, ठीक है, वाल आर फूड नॉट इज फूड इट्स फिक्स्ड, ठीक है, वाल आर फिक्स्ड हाइव। तो वाल में क्या होते हैं, ये जो हाइव्स होते हैं, छत्ते होते हैं, वो फिक्स रहते हैं। आपने जगह जगह देखा होगा वॉल में, चाहे वो ट्री हो, ठीक है, या फिर वॉल हो घरों के वॉल में या फिर ट्रीज वगैरह में, ये वर्टिकल क्या होते हैं, लटके रहते हैं, ये छत्ते वर्टिकल लटके रहते हैं। इट इज़ प्योरली नेचुरल टाइप ऑफ कॉम्ब बिकॉज बीज प्रिपेयर द हाइव देमसेल्फ ऑन द वॉल आर ट्रीज। तो ये प्योरली क्या होता है, नेचुरल हाइव होता है, नेचुरल कॉम्ब होता है, जो कि ट्रीज़ के या फिर हम बोल सकते हैं हाउसेस वगैरह के वॉल में, ठीक है, हाउस के वॉल में क्या रहता है, ये फिक्स्ड रहता है, वर्टिकल लटका हुआ रहता है, और इसी पे क्या करती हैं मधुमक्खी, अपना शहद इकट्ठा करती हैं। सेकेंड टाइप का जो कहना चाहिए हाइव या छत्ते होते हैं, वो मूवेबल, ठीक है, मूवेबल होता है। इट कंप्राइजेस वुडन बॉक्सेस आर अर्थन पिचर्स, ठीक है, तो ये मूवेबल कैसे होता है, ये वुडन बॉक्सेस होते हैं या फिर अर्थेस पिचर्स होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें मधुमक्खियां अपने छत्तों का निर्माण करती हैं, और इसको क्या किया जाता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियली मेड चेंबर होते हैं जिसमें मधुमक्खी क्या करती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। द ट्रेडिशनल बीकीपर्स कैच क्लस्टर्ड स्वाम्स फ्रॉम ट्री बशेस एट्सेट्रा एंड ट्रांसफर देम अबो मेंशन प्लेस। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, जो हनी कीपर्स होते हैं वो सारे इकट्ठा करते हैं, जो जैसे कि स्वाम्स हो गया, ठीक है, अलग अलग ट्रीज से बुशेस, ये सारी चीज़ों को कौन इकट्ठा करते हैं, तो बी कीपर्स, और इनको फिर वो इस तरह से क्लोज बॉक्सेस में रखते हैं।
ओके नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मेथड। वो तो ये दो मेथड्स हैं जो हमने देखा, ट्रेडिशनल मेथड। 1 मिनट। अब हम देखते हैं मेथड्स, अब बी कीपिंग देख रहे थे, इसमें देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर, मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर कैसे की जाती है। द मॉडर्न बी हाइव्स वेयर डिजाइन बेस्ड ऑन बी स्पेस थ्योरी बाय एल लैंगस्थोर, सॉरी ठीक है, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, ठीक है, एल लैंगस्ट्रॉन्थ 1851। तो जो मॉडर्न थ्योरी है या फिर मॉडर्न मेथड है एपीकल्चर का, वो ठीक है, इसने दिया था, ये जो साइंटिस्ट थे एल लैंगस्ट्रॉन्थ, इन्होंने 1851 में दिया था। तो इसमें बी स्पेस थ्योरी दिया, बी स्पेस थ्योरी मीन्स ठीक है बी के बीच में कितने स्पेसेस होनी चाहिए, इसको आधार मान कर क्या किया गया है, ठीक है, एपीकल्चर के लिए हाइव्स तैयार किया गया है। देखते हैं क्या है। बी स्पेस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू बी लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट कम सरफेस इन अ बी हाइव विच इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ बीज। तो बी स्पेस थ्योरी में मेनली किन बातों को ध्यान दिया गया है कि जो हनी बीज हैं, ठीक है, उन हनी बीज के बीच में, हनी बीज के छत्तों के बीच, ठीक है, हनी बीज के छत्तों के बीच इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना कि हनी बीज प्रॉपर मूवमेंट और प्रॉपर फंक्शन कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें, वो प्रॉपर मूवमेंट कर सकें, ठीक है, और प्रॉपर फंक्शन कर सकें। तो ये दोनों चीज़ मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि हनी बीज में या फिर बी स्पेस थ्योरी में किन चीज़ को ध्यान रखा गया है। तो इसमें हनी बीज के छत्तों के मध्य इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि हनी बीज प्रॉपर मूव कर सकें, प्रॉपर फंक्शन कर सकें, ठीक है, उनकी जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये ईजिली कर सकें। तो इसी को आधार मानकर क्या किया जाता है, ये बी स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग छतों का निर्माण या फिर हाइव्स का फॉर्मेशन किया जाता है। टाइप्स ऑफ हाइव इन जनरल फॉर एपिस मेलिफेरा वी यूज लैंगस्ट्रॉन्थ हाइव्स एंड एपिस सिराना बिस बरेव ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हाइव ए एंड बी टाइप। तो यहाँ क्या किया गया है, क्या बताया गया है, जो एपिस मेलिफेरा की जो स्पीशीज है उसके लिए हम एक अलग टाइप की हाइव का निर्माण करते हैं, किस टाइप की, ठीक है, कहना चाहिए एल लैंगस्ट्रॉन्थ जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग हाइव का फॉर्मेशन किया जाता है, वहीं एपिस सिराना के लिए, ठीक है, बिस्ट, ठीक है, बिस एक बरेव ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने क्या किया था कि एक अलग टाइप्स के हाइव्स का फॉर्मेशन के लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि इनके लिए इस तरह से हाइव का फॉर्मेशन या छत्तों का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, छत्तों का फॉर्मेशन किया जाता है। एक हम लोग टिपिकल हाइव की बात करें, छत्तों की, छत्ते की बात करें, तो इनमें अलग अलग पार्ट्स होता है। देखते हैं ये एल, ये मूवेबल हाइव है जिनको किसने डिज़ाइन किया था, इसको सबसे पहले लैंगस्ट्रॉन्थ ने। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको देखिए। सबसे पहले स्टैंड टू सपोर्ट बॉटम बोर्ड। तो स्टैंड क्या करने के लिए रहता है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, जो भी अपने हाइव होता है या हाइव बोर्ड होता है उसको सपोर्ट के लिए। सेकेंड बॉटम बोर्ड, इट फॉर्म्स प्रॉपर बेस फॉर द हाइव हैविंग एन एंट्रेंस फॉर बी। तो बॉटम बोर्ड क्या क्या किस चीज़ के लिए रहता है, तो ये जो हनी बीज हैं उनके छत्तों में प्रॉपर एंट्रेंस के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट होता है ब्रूड चेम्बर। चेम्बर यूज फॉर रियरिंग आ ब्रूड, फ्रेम्स आर प्लेस्ड इन दिस चेम्बर ऑन विच बीज रेज कम। तो क्या ब्रूड चेम्बर क्या होता है, ब्रूड चेम्बर में ही मधुमक्खी क्या रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं, ओके, और ये छत्तों के तरफ मूव करती हैं और छत्तों में अपनी नंबर क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट क्वीन एक्सक्लूडर, परफोरेटेड जिंक सीट असेंबल्ड इन सच अ वे दैट वर्कर कैन पास थ्रू देम बट क्वीन कैन नॉट। तो क्वीन एक्सक्लूडर, एक्सक्लूडर मीन्स क्या, अलग कर देना, किसको अलग कर, ठीक, अलग कर देना। तो यहाँ क्वीन एक्सक्लूडर मीन्स क्वीन को अलग करना। तो इस तरह से क्या होता है, स्पेस बनाया रहता है जिंक सीट के बीच में,
इस तरह से स्पेस बनाया जाता है कि उसमें केवल और केवल वर्कर एंटर करें। कौन एंटर करें? केवल और केवल वर्कर एंटर करें और बाकी सभी एंटर ना करें। बाकी सभी सॉरी वर्कर एंटर करें और जो क्वीन है, जो रानी मधुमक्खी है, वो एंटर नहीं करें। अब देखो एक क्वीन एक्सक्लूडर कैसा, तो इस तरह से जिंक सीट, जिंक की सीट रहती है, इसमें इस तरह से हम क्या बना दिए, होल बना दिए। अब चूंकि वर्कर की साइज़ क्या होती है, वर्कर की साइज़ छोटी होती है और क्वीन की साइज़ क्या होती है, क्वीन की साइज़ बड़ी होती है, तो इसमें केवल और केवल कौन एंटर करें, वर्कर एंटर करें, क्योंकि छोटी साइज़ होगा तो इसलिए हमने छोटी होल बनाया रखा है। तो इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं, पार हो सकती हैं कौन, वर्कर, लेकिन क्वीन इसमें पार नहीं हो सकती है। तो ये क्या होता है, क्वीन एक्सक्लूडर। फिफ्थ देखते हैं, सुपर। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ मेनी फ्रेम कंटेनिंग कम फाउंडेशन टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ हाइप। तो ये क्या होता है, बहुत सारे फ्रेम्स लगे रहते हैं इनके अंदर, ये क्या करें ताकि ये, ठीक है, छत्ते का जो एक्सपेंशन करेंगे, जब छत्तों का निर्माण करेंगे तो उनका एक्सपेंशन हो सके, ठीक है, छत्ते क्या कर सके, छत्तों का एक्सपेंशन हो सके, मीन्स छत्ते आसानी से फैल सके। नेक्स्ट इनर कवर, अबोर्ड विच एक्ट एज अ पार्टीशन बिटवीन ब्रूड सुपर चेम्बर एंड द रूप। तो इनर कवर मीन्स किसको किसको अलग करना, ब्रूड को अलग करना, ठीक है, ब्रूड को अलग करना, सुपर चेम्बर को अलग करना और रूफ को अलग करना, तीन चीज़ को अलग करने के लिए इनर कवर लगाया जाता है। नेक्स्ट सॉफ्ट टॉप कवर, अ टाइप ऑफ लिड एक्टिंग एज अ रूफ आ प्लेस्ड ओवर इनर कवर। तो इस तरीके से टॉप कवर लगा रहता है जो कि इनर कवर को घेरे रहता है, मतलब एक तरह का छत जैसा, ठीक है, ताकि इसमें किसी भी तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें इस पर ना पड़ें। तो एक तरह से इसमें रूफ लगाया जाता है जिसको हम लोग टॉप कवर या आउटर कवर भी बोलते हैं। तो ये एक टिपिकल मूवेबल हाइप्स था, छत्ता था, जिसको आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जाता है और इसमें बीस कल्चर की जाती हैं। अदर इक्विपमेंट, तो कुछ अदर और दूसरे इक्विपमेंट हैं जो ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं बीस कल्चर के लिए। कम फाउंडेशन मिल्ट, कम फाउंडेशन मिल्ट ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, यूज टू प्रिंट नेचुरल सेल साइज ऑफ डिजायर्ड कॉम्ब फाउंडेशन शीट। मतलब इसका काम क्या होता है, कॉम्ब बनाना, ठीक है, कॉम्ब मीन्स ये जो अपने हाइब्स हैं, ठीक है, हाइब्स के बीच में इस तरह से क्या करना, हेक्सागोनल कॉम्ब बनाने के काम आता है इस तरह से, ठीक है, इनके बीच में जो छत्ते होते हैं छोटे, ये डिज़ाइन करने के लिए, ये डिज़ाइन करने के लिए या इनका निर्माण करने के लिए इस कॉम फाउंडेशन मिल्ट का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है बी व्हील, यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग बी स्टिंग ऑन द फेस एंड नेक। जब हम लोग एपिकल्चर करते हैं या मधुमक्खी पालन करते हैं तो मधुमक्खियाँ वैसे जेंटल तो होती हैं, लेकिन जेंटल स्पीशीज का सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, ये बीज हम पर अटैक करते हैं, तो अपने फेस और नेक को बचाने के लिए इस तरह का क्या लगा रहता है, एक एक मास्क, इस तरह का एक मास्क रहता है जिसको हम वियर करते हैं ताकि मधुमक्खी हम पर अपनी स्टिंग या फिर हम पर अटैक ना कर पाएँ। तो इसको क्या बोलते हैं, बी व्हील। नेक्स्ट स्मोकर्स, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे होंगे, यूज्ड फॉर काम डाउन द बीज व्हाइल ओपनिंग द हाइव। जब हम लोग छत्तों से, ठीक है, छत्ते से क्या निकालते रहते हैं, शहद निकालते रहते हैं, तो उस समय, ठीक है, ये जो मधुमक्खी हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हैं, अटैक हो करती हैं, तो इसके लिए उनको काम डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, इस स्मोकर्स का यूज़ किया जाता है। आपने नॉर्मली सुना होगा या देखा होगा कि जब भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते रहते हैं तो वहाँ पर धुआं किया जाता है ताकि उस धुएं से फिर क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं, तो इसलिए ये स्मोकर का यूज़ किया जाता है इसमें स्मोक जनरेट करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अनकैपिंग लिंज, ठीक है, लार्ज स्केल कैपिंग, हेलो, नेक्स्ट देखते हैं अनकैपिंग नाइफ, ठीक है, लार्ज साइज नाइफ यूज टू अनकैप द फ्रेम बिफोर हनी एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से एक बड़ी साइज की क्या होती है, हम लोग नाइफ रखते हैं, चाकू रखते हैं, ठीक है, बड़ी साइज की क्या रखते हैं, हम लोग नाइफ रखते हैं, चाकू रखते हैं, ये हनी एक्सट्रैक्शन में काम आती हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ये, ठीक है, शहद की क्या है, ये छत्ता है, तो उसके ऊपर इस तरह से एक मोटी वैक्स इस टाइप का स्ट्रक्चर
बना रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसको हटाने के लिए ये इस तरह से एक नाइफ की आवश्यकता होती है, इसको अनकैप करने के लिए, ठीक है, जो हनी इसके ऊपर का जो इस तरह से लेयर लगा रहता है उसको रिमूव करने के लिए इस नाइफ की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हनी एक्सट्रैक्टर। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम कॉम्ब एंड इज फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हनी एक्सट्रैक्टर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपली, ठीक है, यहाँ पर छत्तों को रख दिया जाता है इसमें और इसको इस तरह से, ठीक है, राउंड किया जाता है, तो इसमें नीचे की तरफ पूरे के पूरे शहद, इधर प्रेशर लगता है तो इधर नीचे से पूरे शहद क्या होते हैं निकल आते हैं। तो ये क्या होता है हनी एक्सट्रैक्टर, शहद मधुमक्खी के छत्तों से शहद को निकालने के लिए, शहद को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। प्रोडक्ट्स ऑफ एपिकल्चर, ठीक है, अब एपिकल्चर से अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, तो देखते हैं हनी बीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं एपिकल्चर से, या फिर मधुमक्खी पालन से हमें क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट तो हनी, ठीक है, तो एपिकल्चर से तो फर्स्ट हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, हनी का प्रोडक्शन करना। तो हनी, बीज प्रोड्यूस हनी फ्राम नेक्टर अ प्लांट थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटी रीगर्गेशन एंड वाटर एवेपोरेशन। तो हनी क्या करती हैं, प्लांट से या फिर प्लांट के फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती हैं और उनके उनको एंजाइमेटिक प्रोसेस करके उनको, ठीक है, प्रोसेस इवेपोरेशन मतलब बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू क्या करती हैं, फिर उनको शहद में कन्वर्ट करती हैं। और इसका क्या यूज़ होता है शहद का, तो फूड, एज फूड की तरह यूज़ होता है। हनी इज़ न्यूट्रिशियस फूड रिच इन एनर्जी एंड विटामिन। तो हनी को हम एज अ फूड की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये एनर्जी रिच होता है और विटामिन भी इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट कोल्ड कफ एंड फीवर, ठीक है, कोल्ड कफ एंड फीवर को प्रिवेंट करने के लिए एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें हनीस की, तो लिवलोस 38%, डेक्सट्रोस 21%, माल्टोस एंड अदर शुगर 8.8%, एंजाइमेटिक एंड पिगमेंट्स 2.1% एंड वाटर 7.2%, ठीक है। तो लिवलोस शुगर क्या होता है, रिच मात्रा में पाया जाता है किसमें, हनीस में। तो इसका क्या था, ये केमिकल कंपोजिशन था, रासायनिक संघटक था। नेक्स्ट देखते हैं बी वैक्स, ठीक है, सेकेंड मेन प्रोडक्ट क्या होता है बी वैक्स के रूप में। बी वैक्स इज सीक्रेटेड बाई वैक्स ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लास्ट फोर एब्डोमिनल सेगमेंट, 4th to 7th वर्कर बी। तो बी वैक्स क्या होता है, बी वैक्स प्रेजेंट होता है ये हनी बीज के 4th से 7th एब्डोमिनल में, ठीक है, बी वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस टाइप के ये हनी बीज है, ये हनी बीज है, तो इसका जो, ठीक है, एब्डोमिन होता है इस तरह से, ठीक है, इसके एब्डोमिन होते हैं, ठीक है, तो ये 4th, 4th से लेकर 7th एब्डोमिन में क्या होता है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट रहता है और ये वैक्स ग्लैंड क्या करते हैं, वैक्स का सिक्रीशन या बी वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। और ये बी वैक्स का क्या क्या यूज़ होता है देखते हैं, मेकिंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल बनाने में यूज इन क्रीम लोशन लिपस्टिक, क्रीम लोशन लिपस्टिक के फॉर्मेशन में, इनके सिंथेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ कॉम फाउंडेशन, वैक्स फाउंडेशन इन एपायरिस। तो कॉम फाउंडेशन में, कॉम्स मीन्स इस तरह से आर्टिफिशियल छत्ते बनाने में, आर्टिफिशियल छत्ते बनाने में मधुमक्खी पालन में, तो ये सारी चीज़ें हैं। वैक्स स्केल्स फ्रॉम वैक्स ग्लैंड, तो आप यहाँ देख रहे होंगे आर्टिफिशियल हाइब्स या आर्टिफिशियल कॉम्ब, हाइब्स कम कॉम बोलेंगे इनको, तो ये बी वैक्स का यूज़ है। थर्ड देखते हैं रॉयल जेली, थर्ड प्रोडक्ट रॉयल जेली, फर्स्ट हनी, सेकेंड बी वैक्स और थर्ड प्रोडक्ट रॉयल जेली। द ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ यंग वर्कर 4 to 10 days ओल्ड प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोफरेंजियल ग्लैंड इन द हेड। तो ये रॉयल जेली कहाँ से सिक्रीट करते हैं, तो बीज के जो हेड, ठीक है, बीज के हेड में, ठीक है, जो बीज होते हैं इनके हेड में क्या पाया जाता है, ठीक है, इनके हेड में हाइपोफरेंजियल ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन सी ग्लैंड, हाइपोफरेंजियल ग्लैंड पाई जाती हैं इनके हेड में, और इन्हीं हाइपोफायरेंजियल ग्लैंड से क्या सिक्रीट करती हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल जेली, ठीक है, रॉयल जेली। आपको याद होगा इसी रॉयल जेली को खाकर मधुमक्खी क्वीन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ आप रॉयल जेली देख रहे होंगे,
ठीक है। और ये कहाँ से सीक्रेट होती है, तो एक बार फिर मैं बता दूँ कि मधुमक्खी के हेड के सिर में प्रेजेंट होता है एक ग्रंथिया जिसको बोलते हैं हाइपोफारेंजियल ग्लैंड, उसी से ये रॉयल जेली सीक्रेट होती है। और इसका क्या यूज़ होता है, यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में, साथ ही साथ इट आल्सो एड इन हीलिंग वाउंड एंड बूस्ट इम्यूनिटी, साथ ही साथ ये क्या करती है, घावों को हील करने में हेल्प करती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये सहायक होती है। कौन? रॉयल जेली। चौथा प्रोडक्ट बी वेनम, ठीक है, तो मधुमक्खी का जो जहर होता है वेनम होता है, उसका क्या यूज़ होता है, बी वेनम इज़ बिटर कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग प्रोटीन विच काज लोकल इन्फ्लामेशन। तो बी वेनम क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है जिनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये इन्फ्लामेशन काज करते हैं, ठीक है। लोग जब हमारी बॉडी को जब बी क्या करते हैं, बी स्टिक कट करते हैं, बी बाइट करते हैं, तो देखते होंगे आप लोग उनके आसपास के चारों, ठीक है, जहाँ पर ये बाइट करते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, सूजन, इस टाइप के कंडीशन देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो ये लोकल इन्फ्लामेशन जनरेट करते हैं, कौन, बी वेनम। और इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, तो बी वेनम इज़ गिवेन एज अ शॉट ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में इसका यूज़ है, नर्व पेन, न्यूरो, ठीक है, न्यूराग्लिया, ठीक है, न्यूराग्लिया, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, न्यूराग्लिया होना चाहिए, ठीक है, नर्व पेन में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारे डिजीजेस हैं, डिसेंसिटाइजिंग द पीपल एलर्जिक टू बी स्टिंग, तो ये सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, इनका यूटिलाइज किया जाता है बी वेनम का। इसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये अलग अलग, ये क्या हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अलग अलग परसेंटेज पाई जाती है। जैसे कि मेलाटिटिन की बात करें तो 30 से 50% फॉस्फोलाइपेज ए, 10 to 20%, एपामिन 3%, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं जिनकी अलग अलग अमाउंट पाई जाती है बी वेनम में, ठीक है। पांचवा बाय प्रोडक्ट है प्रोपील्स, ठीक है, प्रोपोलिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, प्रोपोलिस। अब ये प्रोपोलिस का क्या यूज़ होता है, इसको देखते हैं। इट इज़ द रेजिनियस मिक्सचर दैट हनी बीज प्रोड्यूसेस बाय मिक्सिंग सलाइवा एंड बी वैक्स विथ एक्सट्रूड गेदर्ड फ्रॉम द ट्री बर्ड। तो ये एक रेजिनस मिक्सचर होता है, रेजिनस मिक्सचर होता है जिसको हनी बीज क्या करती हैं, अपने सलाइवा से प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इस टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसको क्या करती हैं, ये अपने सलाइवा से प्रोड्यूस करती हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय बीज टू सील अनवांटेड स्पेस इन हाइव, तो छतों में इस तरह से क्या अगर गैप बन जाती हैं तो उनको सील करने में क्या करती हैं, ये यूज़ करती हैं, कौन, हनी बीज, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग खुद यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होती हैं इस तरह से ये वैक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, जो जिस तो जिस जगह को हमको सील करना होता है उसको सील करने के लिए ह्यूमन भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। यूज टू ट्रीट कफ एंड थ्रोट इरीटेशन, तो अब हमारे गले में कफ के कारण जो भी, या फिर गले में जो भी कफ के कारण इरिटेशन हो रही है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, प्रोपोलिस का। अब देखते हैं एनिमीज ऑफ हनी बीज, हनी बीज के क्या क्या एनिमीज होते हैं, क्या क्या शत्रु होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं वैक्स मोथ, ठीक है, वैक्स मोथ। अब वैक्स मोथ कैसे इनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो द कैटरपिलर लाइव इन द सिल्कन टनल मेड बाय द बीज फेड ऑन द प्रोपिल्स पोलेंस एंड वैक्स इन द कैम। अब ठीक है, बहुत सारे हनी बीज क्या करते हैं, पेड़ जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके जो भी इस तरह से होल होते हैं उसमें अपने छत्ते देते हैं। तो ये जो कैटरपिलर होते हैं जो इस होल में रह रहे हैं वो क्या करते हैं, ये टनल में रह रहे हैं, होल में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो हनी बीज के, ठीक है, हनी बीज के जो भी प्रोपोलिस होते हैं उसको, पोलेंस होते हैं, वैक्स होते हैं, और इवन हनी बीज को भी क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं। सेकेंड ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में कैटरपिलर को, ठीक है, सेकेंड देख रहे हैं वास्प, ठीक है, तो यहाँ है वास्प जिसको आप लोग बर्रो भी बोलते हैं, बड़ी मधुमक्खी, बर्रा, बर्रो, ठीक। इट इज़ इट वेट नियर
द एंट्रेंस ऑफ हाइव्स कैचेस बी एज दे केम आउट, ठीक है, मैस्क्रिएट देम फॉर फीडिंग द जूस टू इट्स यंग वंस। अब ये जो वास्प होते हैं, ये वास्प क्या करती हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसके जो एंट्रेंस होता है, ठीक है, जहाँ से मधुमक्खियाँ छत्ते में आती हैं जाती हैं, वहाँ पर ये जाकर चुपचाप बैठ जाता है। जैसे ही मधुमक्खियाँ बाहर निकलती हैं, ये उनको पकड़ लेता है और पकड़ करके उनको फीड कर लेता है, ईट कर लेता है। साथ ही साथ ये अपने इनको छत्ते में भी ले आता है, जहाँ से उनके जो भी लार्वाज होते हैं वो क्या करते हैं, इन बीज को ईट करते हैं। तो वास्प भी क्या कर सकता है, वास्प भी हनी बीज को नुकसान पहुंचाता है। अदर एनिमीज आर वैक्स बीटल, बर्ड्स एंड आंट। और दूसरे एनिमीज जैसे कि ये बर्ड्स वगैरह देख रहे होंगे, बीटल्स, बर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, अदर एनिमीज होते हैं जो मधुमक्खी को ईट कर लेते हैं या फिर उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप क्लियर देख रहे होंगे, फर्स्ट डायग्राम में कैटरपिलर देख रहे होंगे, सेकेंड में वास्प और थर्ड में ये बर्ड्स वगैरह। अब डिसीजेस देखते हैं कि क्या क्या डिसीजेस होती हैं इन हनी बीज में। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस, तो एकारिन डिसीजेस, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट, तो एकारिपस वुडी ये क्या करती हैं, इन्फेक्ट द ट्रैकियल सिस्टम ऑफ बीज। तो बीज के जो ट्रैकियल सिस्टम होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। वेरोसिस हो गया, ठीक है, अमेरिकन फुल बर्ड, और ये नोजिमा, ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग टाइप्स के डिजीज़ हैं और ये इनके कॉजेटिव एजेंट हैं और ये इनके मोड ऑफ एक्शन है कि क्या किस तरह से कॉज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिसीजेस भी देखने को मिलती है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट किस तरह से ये इन्फेक्ट करते हैं पूरे के पूरे हाइव्स को, पूरे के पूरे छत्ते को। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे डिसीजेस मधुमक्खियों में भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, तो जिनको हनी बीज कीपर या फिर जो बी कीपर होते हैं उनको ध्यान रखना होता है। ये डिसीज़ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर इनका जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, लोअर्स कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, जो जितने अमाउंट में हनी प्रोड्यूस होनी चाहिए उतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है ये सारे डिसीजेस के कारण। तो इसी के साथ हमारा जो एपिकल्चर या मधुमक्खी पालन था वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है यहाँ हनी बीज का, कि किस तरह से ये पोलेंस पर बैठ रहे हैं और पोलन ग्रेन फ्लावर्स पर बैठ रहे हैं और इनके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक रहे हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी ये हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, ये पोलेंस या फिर नेक्टर इकट्ठा कर रहे हैं, नेक्टर भी ये क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हमारा एपिकल्चर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सभी स्टूडेंट अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।